यूपी के बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन युवकों पर आरोप है कि उन्होंने एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है, मगर इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस घटना में पीड़िता का एक कथित प्रेमी भी शामिल है। प्रेमी पर आरोप है कि वो गैंग रेप के बाद पीड़िता को अपने साथ दिल्ली लेकर आ गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि 7 जनवरी को मोहल्ले के ही एक युवक ने पीड़िता को धोखे से अपने घर बुलाया था। इस दौरान आरोपी के घर में तीन और लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि जिस युवक ने पीड़िता को घर बुलाया था वो खुद घर से बाहर चला गया, जबकि घर में मौजूद तीनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ बारी बारी से रेप किया। इतना ही नहीं, गैंग रेप की वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी फरार हो गए, जबकि जिस आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया था वो पीड़िता को अपने साथ दिल्ली ले गया। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली में जिस घर में रखा उस मकान मालिक ने ही पीड़िता के परिजनों को जानकारी दी थी, जिसके बाद पीड़िता को आरोपी के चुंगुल से मुक्त कराया गया। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया गया है कि जिस युवक पर पीड़िता को अपने साथ दिल्ली ले जाने का आरोप है वह पीड़िता का प्रेमी है। पुलिस ने दावा किया है कि जिन तीन लोगों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है वो भी पीड़िता के कथित प्रेमी के परिचित हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर पीड़िता को दिल्ली ले जाने वाला युवक पीड़िता का प्रेमी है तो फिर कथित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने ही साथियों से हैवानियत क्यों करवाई। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। जब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की ओर से लगातार दबिश दी जा रही है। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बताओ। पहले तो 4 लोग आए थे। 4 लोग आने के बाद में 4 को बुला के ले गए बहाने से बुला के ले गए, घर पे लेके गए थे। घर पे ले जाने के बाद में एक लौंडा तो चला गया, वो तीन लौंडे वहाँ पर मौजूद थे। तीन लौंडों ने मेरे संग कर दिया था। उसके संग में एक लौंडा तो हाईवे पे चला गया, उसके संग में मुझे दिल्ली भेजा गया था। दिल्ली भेजने के बाद में 12 बजे हम वहाँ पर पहुँचे। 12 बजे के बाद में हमारे घर वालों को पता चली, लौंडे के चाचा घर पे ही लौंडिया वहाँ से हमारे घर वाले गए थे, हमें लेके आए, मुझे लेके आए थे। क्या नाम आरोपियों के? एक का नाम तो लिक्की था और एक का नाम राजा, एक का नाम मनोज और एक का नाम जानते नहीं, उसे शिकल से जानते हैं। तो ये विनीत गोयल कि पहले भी आपको परेशान करते हैं ये लोग? पहले नहीं, कम से कम 2 महीने से परेशान कर रहे थे। पढ़ती हो नहीं? पढ़ रही हूँ। क्यों आए? मेरी बेटी 7 तारीख को लड़कों ने अगवा कर ली थी, उसको रेप किया तीन लड़कों ने, चौथा लड़का उसको दिल्ली लेके चला गया। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास कि आपकी लड़की आ गई है यहाँ पे, तो हमने गाड़ी वाड़ी करी यहाँ से, तो उसको लेकर के आए। फिर हमने रात यानी कि 9 तारीख की रात को मुकदमा कायम किया है कोतवाली डिवाई थाने में, और फिर हम उन्होंने लिख के भेजा है मेडिकल कराने के लिए, बस इसी पर से आया। सर, एक डिवाइस से मामला सामने आया है, कोई रेप का मामला, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक थोड़ा सा घुमावदार कहानी है इसमें। एक लड़की डिवाई थाना क्षेत्र की, जो लगभग 18 साल के आसपास जिसकी उम्र है, वो रात को 12:30 बजे उसके अनुसार वो अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ गई। वहाँ से फिर उसका आरोप यह है कि उसके बॉयफ्रेंड के 3 अन्य दोस्तों ने उसके साथ रेप किया। फिर वो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली चली गई, उसके घर पर 2-3 दिन रही और कल वापस आई। कल उसने एक मुकदमा लिखाया है, तहरीर दी है। हम उस पूरे प्रकरण की जांच करा रहे हैं कि जिन लड़कों को नामित किया गया है उनकी क्या भूमिका है। और लड़की दिल्ली में थी और अपने बॉयफ्रेंड के घर पर थी, उसका नाम नहीं लिखाया है लड़की ने, तो एक गहन छानबीन का विषय है कि तथ्य क्या है। और जिन लोगों को नामजद किया गया है उनसे भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है कि जानकारी की जाए कि उनकी क्या भूमिका है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।